दोस्तों, रेडिएटर फैन जो इंजन को ठंडा करने का काम करती है, अगर काम नहीं कर रहा, जिससे आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है, और आप अगर इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर इमरजेंसी में फंस जाते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे टेम्प्रेरी ठीक कर सकते हो और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? उसके अलावा हम रेडिएटर फैन में आने वाले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। रेडिएटर फैन में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को डायग्नोस करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा रेडिएटर फैन के इलेक्ट्रिकल लाइन के किस हिस्से में प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, रेडिएटर फैन में जो हमारा करंट आता है वो तीन चार चीजों से होकर आता है। पहला हो गया हमारा रेडिएटर फैन का फ्यूज, दूसरा हो गया रेडिएटर फैन का रिले। उसके अलावा हमारा एक होता है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जिससे हमारा रेडिएटर फैन ऑन ऑफ होता है। वो इंजन के एल्बो के पास हमारा ज्यादातर गाड़ी में होता है। इसके अलावा हमारा रेडिएटर फैन में एक रेजिस्टेंट होता है। जिस गाड़ी के रेडिएटर फैन में हमारा दो स्पीड होता है, उसमें हमारा रेजिस्टेंट होता है, लेकिन ज्यादातर छोटे साइज के गाड़ी में हमारा सिर्फ सिंगल स्पीड होता है। दोस्तों, आपका रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा, जिससे आपका इंजन ओवरहीट हो रहा और आप इमरजेंसी में फंस गए, इस मोमेंट में आपको क्या करना है? दोस्तों, आपको बोनेट खोल के जस्ट बाहर आना है, और बाहर आके हमारा जो रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन के मोटर को आप किसी भारी चीज़ से ठोकना है। जैसे आप वीडियो में आप देखेंगे कि मैं रेडिएटर फैन को मोटर को भारी चीज़ से ठोकूंगा और हमारा रेडिएटर फैन ऑन हो जाएगा। ये गाड़ी हमारा बंद है, इसमें हमारा ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप फंस जाते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में, तो आपको ये ट्रिक को ज़रूर आजमाना है। कभी दोस्तों, रेडिएटर मोटर में हमारा आर्मेचर होता है और एक कार्बन होता है। कार्बन हमारा आर्मेचर को करंट सप्लाई करता है, तो हमारा रेडिएटर मोटर काम करता है और रेडिएटर फैन हमारा घूमता है। लेकिन कार्बन घिसा घिसा के जब छोटा हो जाता है, तो हमारा आर्मेचर के साथ सही से कांटेक्ट नहीं बना पाता है, और जब कांटेक्ट नहीं बना पाता है, तो हमारा रेडिएटर फैन काम नहीं करता है। लेकिन रेडिएटर फैन को ठोकने से हमारा जो कार्बन होता है, वो आर्मेचर के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट बना लेता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमारा रेडिएटर फैन फिर से काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, आपका रेडिएटर फैन काम नहीं कर रहा, और जब आप उसको ठोकते हैं, तो आपका रेडिएटर मोटर चलने लगता है। अगर आप इमरजेंसी में, तो उस मोटर को ठोक कर आप किसी सेफ जगह में जा सकते हैं। दूसरा ये कि आप इमरजेंसी में नहीं है, उस कंडीशन में आपको गाड़ी के रेडिएटर फैन के मोटर को जल्द से जल्द चेंज कराना है। अगर ठोकने से भी आपका रेडिएटर फैन नहीं चलता है, इस कंडीशन में आपको जो रेडिएटर फैन में हमारा जो जैक जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर का जो जैक जाता है, जैक को खोल के हमें बैटरी से दो तार लेना है, एक प्लस का और एक माइनस का। मतलब हमें रेडिएटर फैन को डायरेक्ट करके हमें ये चेक करना है कि जो हमारा रेडिएटर फैन ठीक है या नहीं। अगर डायरेक्ट करने से आपका रेडिएटर फैन चलने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फैन में प्रॉब्लम नहीं, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस रेडिएटर फैन को डायरेक्ट बैटरी से चलाते हैं, तो ये हमारा रेडिएटर फैन वर्क करता है। मैंने इस बैटरी से मैंने दो वायर लिया और दो वायर को रेडिएटर फैन के जैक में दो हॉर्न क्लिप के हेल्प से लगा दिया। अब लगाने के बाद जब भी हम बैटरी का इसको डायरेक्ट करंट देते हो, तो ये हमारा रेडिएटर फैन वर्क करता है। इसी तरीके से आपको भी अपने गाड़ी में बैटरी के दो टर्मिनल में दो वायर कनेक्ट कर देना है। जैसे मैंने इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया, एक हमारा प्लस में और एक हमारा माइनस में, दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया। और दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद फैन के जैक में दो हॉर्न क्लिप के हेल्प से आपको दो वायर को कनेक्ट कर देना, उसके बाद बैटरी को डायरेक्ट करंट आपको देना है। इस प्रोसेस को करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपको जो प्लस का जो वायर है, हमारा पॉजिटिव वायर है, उसको बॉडी में आप टच होने नहीं दें, और दूसरा हमारा जो नेगेटिव का वायर है, उसमें भी टच होने नहीं दें। अगर बैटरी का डायरेक्ट करंट देने से आपका फैन मोटर चलता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका फैन मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रेडिएटर फैन के फ्यूज, रिले, सेंसर या फिर हमारा रेडिएटर फैन का रेजिस्टेंट में हो सकता है। उसके बाद हमें गाड़ी का फ्यूज बॉक्स को खोल के हमें रेडिएटर फैन का जो फ्यूज है, फ्यूज का लोकेशन ढूंढेंगे कि हमारे जो गाड़ी में फ्यूज का लोकेशन कहाँ। तो मैंने इसका फ्यूज का कवर निकाल दिया। अब इस कवर में हमारा लिखा रहता है कौन सा फ्यूज का लोकेशन कहाँ है, तो इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारे जो रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन का जो फ्यूज का लोकेशन कहाँ है। तो आप देख सकते हैं 30 एम्पीयर का जो हमारा रेडिएटर फैन का फ्यूज का लोकेशन है। तो सबसे पहले हम फ्यूज चेक करेंगे, और फ्यूज को चेक करने के बाद हम रेडिएटर फैन का जो रिले होता है रिले को चेक करेंगे। तो ये हमारा 15 एम्पीयर का जो फ्यूज का लोकेशन है, उसके बाद हम रिले को देखेंगे कि हमारा रिले का लोकेशन कहाँ है। उसके बाद देख सकते हैं, हमारा थोड़ा फोकस होने दीजिए, तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर CPRSR का बगल में हमारा कंप्रेसर, और उसका जस्ट बगल में हमारा रेडिएटर का। दोस्तों, ये हमारा रेडिएटर का, उसका सबसे लास्ट में कोना में जो है वो आपका दिख रहा है, वो हमारा कंप्रेसर का है। फ्यूज को तो आप बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है या फिर कटा हुआ है, लेकिन रिले को चेक करना थोड़ा ट्रिकी होता है। रिले को, क्योंकि ये दोनों का पावर सेम है, हमारा कंप्रेसर का रिले का और
रेडिएटर फैन का रिले का पावर सेम है, इसलिए हम इन दोनों रिले को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कंप्रेसर का रिले को हम इस रेडिएटर फैन का रिले में लगा देंगे और रेडिएटर फैन का रिले को इसमें लगा देंगे, तो इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपका रेडिएटर फैन का रिले में प्रॉब्लम आ रहा और आप रेडिएटर फैन का रिले को इंटरचेंज करके कंप्रेसर का रिले में लगा देते हैं और कंप्रेसर का रिले को निकाल के इस रेडिएटर फैन का रिले में लगा देते हैं, अगर रिले में प्रॉब्लम रहा तो आपका एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका रेडिएटर फैन का जो रिले है वो खराब हो चुका है। अगर आपका रेडिएटर फैन का फ्यूज कट जाता है और आप रिप्लेस करके दूसरा फ्यूज को लगाते हैं और वो भी कट जाता है, इस कंडीशन में आपका रेडिएटर फैन का मोटर शॉर्ट हो चुका है और आपका फैन का मोटर को रिप्लेस कराना होगा। जब रेडिएटर फैन का मोटर शॉर्ट हो जाता है तभी हमारा फ्यूज बार बार कटता है, क्योंकि इस गाड़ी के रेडिएटर फैन में सिंगल स्पीड है, इसलिए हमारा इसमें रेडिएटर फैन का सिर्फ एक रिले है और नहीं इस गाड़ी में रेडिएटर फैन का रेजिस्टेंट है। जिस गाड़ी के रेडिएटर फैन में हमारा दो स्पीड होता है, लो स्पीड और हाई स्पीड, उसमें हमारा दो रिले होता है, एक लो स्पीड का और एक हाई स्पीड। इसके अलावा एक रेडिएटर फैन का रेजिस्टेंट भी होता है, इससे रेडिएटर फैन लो स्पीड में काम करता है। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि रेडिएटर फैन के मोटर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप डायरेक्ट करके रेडिएटर फैन के मोटर को आप चेक कर सकते हैं, उसके अलावा आप रेडिएटर फैन के फ्यूज को बार बार कट जाने से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो रेडिएटर फैन का मोटर शॉर्ट है, इसके अलावा हम रेडिएटर फैन में आने वाले प्रॉब्लम्स को रिले को इंटरचेंज करके कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। दोस्तों मेरे आने वाली वीडियो में मैं रेडिएटर फैन का जो दो स्पीड होता है, हाई स्पीड और लो स्पीड, दोनों में से कोई एक स्पीड खराब हो जाए तो आपका गाड़ी में क्या क्या सिम्टम आएगा और इसका एसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा हमारा रेडिएटर फैन जिस सेंसर से कमांड लेता है उस सेंसर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, और तीसरा रेडिएटर फैन का जो रेजिस्टेंट होता है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।